तुम्हें पता मैं क्यों चुप हूँ, क्यों शांत हूँ? केक बॉडी बनाने में कोच की मेहनत लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोच एफर्ट डाल रहे हैं बट अगर स्टूडेंट वो रिटर्न नहीं देंगे तो कभी भी वो बॉडी निकल के आ ही नहीं सकती। कभी भी बॉडी को एक्सप्लॉइट मत करो ये बता के कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है, एक्सप्लॉइट मत करो। अगर आपने बनाया है और वो मेहनत निकल के आई है तो अपने आप सब देखेंगे। एंड एक स्टूडेंट की उतनी ही उतनी मेहनत है जितनी कोच की है, अगर दोनों की मेहनत कंबाइंड नहीं होगी तो कभी भी रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। सिर्फ कोच आपको कराने वाला नहीं होता, करने वाले में भी दम होता है भाई। रुको जरा, सबर करो। क्रिएट करना था वो तो कर ही चुका ऑलरेडी, बने बनाए को क्या बनाना, दम है तो भाई ऐसे बिगड़े हुए को बना के दिखाओ। बना बनाया तो कुछ भी भाई, वो है कि अच्छे से घर के एक एक बढ़िया से घर के अंदर टूटा हुआ झूमर भी लगा दो वो भी बढ़िया लगेगा। सिंपल सी बात है ना, घर तो बना हुआ अच्छा है ना। अब देखो ये ताजमहल है इतना खूबसूरत बना के गए, जो बना के गए तो बना के गए, अब बाद में हम इसमें रिपेयरिंग विपेयरिंग कराते रहते ठीक है, मगर अगर बनता नहीं तो इसमें रिपेयरिंग होती कहाँ से। बनाया है ना, पहले बनाया, अब उसमें तुम टूटा कुछ भी करते रहो, कुछ भी लगा दो, मगर जो पहले बनाया तो बनाया ठीक है ना, जिसने बनाया। हेलो दोस्तों, तरुण गिल ने सच्चा कहा, नूर भाई से जो नूर भाई ने उसका जवाब दिया, और तरुण गिल की मैगी डाइट के लिए राजू फिटनेस ने क्या जवाब दिया। ये हमारी ग्रोसरी शॉपिंग रेगुलर ग्रोसरी शॉपिंग होती है, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है डार्क चॉकलेट स्वीट के लिए, दूसरा मैगी मेरी बॉडी को मैदा बहुत चुना हो गया भाई, सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। मिल इन्जॉय करो गाइस, मैगी डाइटिंग कर रहे हो आप? यार डाइटिंग का साथ आपका चीट डे है, चीट नील, चीट नील। तो मैं क्या खा रहा हूँ आज का मेन्यू क्या है? जलन होती है ना ऐसी बॉडी नहीं, रोटी में पोस्ट वर्कआउट में वो मिलाते हैं दारू अल्कोहल से। अबे पागल हो गया क्या? अबे मेरा रुको जरा, सबर करो। गाइस 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 गाइस, प्रोटीन के साथ लेज, गाइस गाइस गाइस, प्रोटीन के साथ लेज। अभी आप सोच रहे होगे मैं लेज की खा रहा हूं, मैं चुकुतिया हूं, नहीं खाता। मिल्क इज नॉट फॉर बॉडी बिल्डर्स। क्यों भैया? भैया बिल्कुल भी नहीं, बॉडी बिल्डर्स के लिए मिल्क नहीं। गाइस दूध की बात होती है तो हम वे प्रोटीन जो है आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट वो दूध से बनता है, तो अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो दूध तो डेयरी प्रोडक्ट आपकी डाइट में है ऑलरेडी। अगर आपके पास लेजिट प्लान है, मतलब प्रॉपर प्लान है, और उसके अंदर आप दूध ऐड करें तो कुछ नहीं होगा गाइस, कुछ भी नहीं होगा, कोई आपकी प्रोग्रेस जो है खराब नहीं होगी। दूध बिल्कुल खराब नहीं है, वो कोर्स बने हुए हैं, मैं कहीं का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे कोर्स बने हुए हैं, जैसे आर्नोल्ड ने बोला है दूध बच्चे पीते हैं, आप बियर पिए हैं, इट्स फनी थिंग, इट्स कोर्स है ना, जो मर्जी बंदा कहे, यू नो दैट समथिंग डिफरेंट वे। लेकिन मैं बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, दूध आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप दूध एलिमिनेट कर रहे हैं कि आपको एस्थेटिक गेन के दौरान आपके गेंस रुकेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम होगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वन सर्विंग दूध की ले सकते हैं दिन में किसी भी समय, सुबह लें शाम को लें, कोई दिक्कत नहीं है। वन सर्विंग 240 ml का ग्लास आप दिन में ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम में, फैट गेन मसल बिल्डिंग कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात भाई साहब, आप ना अपनी लेग पर काम करो यार। ये जो भाई साहब यही है जो बोलते हैं ना भाई ना भाई साहब पीछे से, इनको बोलो लेग पर काम करो। अब लेग भाई ऐसे मत दिखाना, ये भाई साहब पता है कैसे लेग दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये भाई साहब ऐसे लेग दिखाते हैं, ये भाई साहब यहाँ से दिखाते हैं लेग, जब यहाँ से आप लेग दिखाओ ना तो बड़ा दिखता है लेग, लेग का साइज। अब यहाँ से नहीं, यहाँ से दिखाओ लेग और पूरा नीचे तक दिखाओ, यहाँ तक काफ तक, यहाँ तक दिखाओ आगे से, खाली आप पैंट को यहाँ तक नीचे तक करते हो घुटने तक, उसके नीचे करते नहीं हो। आपके लेग भी पब्लिक ने देखे हुए हैं और आपके एब्स भी पब्लिक ने देख लिया, सूर्य काशी कर लेना, और भाई साहब को देखो, मजे लो, एंजॉय करो, बट फॉलो मत करो। बात तो सही है।